हिमाचल नाहन जेल से फरार कुख्यात अपराधी की सूचना देने वाले को 1,00,000 रुपए इनाम की घोषणा हो चुकी है फांसी की सजा। जिला सिरमौर के आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन से 18 वर्ष पहले फरार हुए कुख्यात अपराधी श्यामल राव रेड्डी की सूचना देने वाले को जिला सिरमौर पुलिस 1,00,000 रुपए का इनाम देगी। वीरवार देर शाम को जिला सिरमौर पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर इस बात की जानकारी शेयर की। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। पुलिस ने 50 वर्षीय श्यामल राव रेड्डी पुत्र रेड्डी अपाल नायडू की फोटो सहित जानकारी फेसबुक पर शेयर की है। श्यामल राव रेड्डी आंध्र प्रदेश का रहने वाला है जिसका पता 2/13/91 गांधी कॉलोनी वार्ड नंबर 34 पुलिस थाना इल्टू कस्बा जिला पश्चिमी गोदावरी आंध्र प्रदेश का है। दुकान से आईफोन 11 पर हाथ साफ करती युवती का वीडियो वायरल 1,06,000 है कीमत। राजधानी शिमला में दुकान से आईफोन चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें युवती को फोन चुराते हुए देखा जा सकता है। मामला हालांकि 13 जून का है। लोअर बाजार में एक युवती दुकान में फोन लेने पहुंचती है। दुकानदार को आईफोन 11 दिखाने को कहती है। दुकानदार युवती को फोन दिखाता है और अन्य ग्राहकों से बातचीत करने लगता है। मौका देखकर युवती ने फोन चुपके से अपनी जेब में डाल लिया। कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, उसके बाद वहां से रफू चक्कर हो गई। धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांगड़ा मसाला चाय के साथ हिमाचली सब्जी लुंगड़ू का चखा स्वाद। धर्मशाला दौरे के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांगड़ा मसाला चाय की चुस्की के साथ हिमाचली व्यंजन लुंगड़ू की सब्जी का भी स्वाद लिया। ये व्यंजन परिधि गृह में नाश्ते में हिमाचल पर्यटन विकास निगम यानी HPTDC की ओर से परोसा गया। विशेष व्यंजन के तौर पर प्रधानमंत्री को महा की दाल व घी की सब्जी से बनी फ्लोरी भी परोसी गई। नाश्ते में पीएम को परोसे गए व्यंजनों में दक्षिण भारत के व्यंजनों में उपमा और इडली भी शामिल रही। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि जब प्रधानमंत्री ने पहाड़ी क्षेत्र में गर्मियों के मौसम में प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाली लुंगड़ू की सब्जी का स्वाद। सीएम जयराम बोले, युवाओं को देशभक्ति से जोड़ना अग्निपथ योजना का मकसद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नौजवानों को देशभक्ति से जोड़ना ही अग्निपथ योजना का मुख्य मकसद है। विपक्ष के लोग अनावश्यक राजनीति कर नौजवानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अभी योजना की घोषणा हुई है। इस योजना से बहुत सारे उन युवाओं की इच्छा पूर्ति होगी जिनमें देश सेवा में काम करने की लगन है। चंबा में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि युवाओं को भ्रमित कर विपक्षी दल माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस योजना से रोजगार की संभावना नौजवानों को मिलेगी। 4 वर्ष बाद भी नौजवानों को सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा। दूसरे विकल्प के रूप में नौजवानों को वापसी पर ग्रेच्युटी मिलेगी। गहराई से अध्ययन का सोच समझकर ही नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए अग्निपथ योजना बनाई है। इसी राजनीति से दूर रहना चाहिए। जेओए पोस्ट कोड 817 वर्ष 2020 में संशोधित नियमों पर जेओए के पद भरने का फैसला सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के तहत विज्ञापित कुल पदों में से 560 पदों की कटौती कर बाकी बचे पद वर्ष 2020 में संशोधित नियमों के अनुसार भरने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में ये जानकारी दी है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर 2021 को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों की भर्ती को लेकर दायर याचिकाओं के निपटारा करते हुए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिए थे कि वह पोस्ट कोड 556 के विज्ञापन के तहत घोषित सभी पदों को पोस्ट कोड 447 के तहत ही गई भर्तियों के अनुसार कर मेरिट लिस्ट तैयार करें। हिमाचल शिक्षा बोर्ड इस दिन घोषित करेगा 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शनिवार को 12वीं कक्षा का वार्षिक परिणाम घोषित करेगा। परिणाम टर्म 1 और टर्म 2 के आयोजित की गई बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर तैयार किया गया है। 12वीं कक्षा के परीक्षा में 87,871 परीक्षार्थी बैठे थे जिन्हें नतीजे आने का इंतजार है। बोर्ड के सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने बताया कि शनिवार को परिणाम घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा परिणाम को घोषित करने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। वहीं बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने भी ये कहा कि शनिवार को परिणाम घोषित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। शिमला के जोगेड़ी पेट्रोल पंप में 1.30 करोड़ के घोटाले में मैनेजर लिपिक गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के उपमंडल टीओ के जोगेड़ी हिमफेड पेट्रोल पंप में हुए 1.30 करोड़ रुपए के घोटाले में नामजद मार्केटिंग मैनेजर मूलराज और लिपिक सुनील कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों शुक्रवार को हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। न्यायाधीश विवेक सिंह की ओर से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस ने इन्हें कस्टडी में लिया है। गौर हो कि ऊपरी शिमला के ठियोग में एकमात्र पेट्रोल पंप हुआ करता था। लोगों की परेशानी को देखते हुए करीब 3 साल पहले हिमफेड ने जोगेड़ी के पास पेट्रोल पंप खोला। वाहन मालिकों को इस पंप से पेट्रोल और डीजल की सुविधा उपलब्ध होने लगी। कुछ समय बाद पंप बंद हो गया। गुस्साए युवाओं से बरसाए पत्थर, 2 घंटे NH जाम, रेलवे लाइन पर रखे पत्थर।
केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के जसूर में युवाओं ने खूब हंगामा किया। धमेटा चौक पर लगभग 2 घंटे तक चक्का जाम किया गया। इस दौरान मंडी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। निजी बसों के करीब 15 से 20 रूट रद्द होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस विरोध प्रदर्शन में करीब 400 युवा शामिल रहे। पहली बार डाइट की निगरानी में होगी डीएलएड प्रवेश परीक्षा। प्रदेश में पहली बार डाइट की निगरानी में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की प्रवेश परीक्षा होगी। परीक्षा प्रदेश के 125 केंद्र पर 19 जून को होगी। इसमें सभी जिले की डाइट को फ्लाइंग स्क्वाड बनाने का जिम्मा भी दिया गया है। ये फ्लाइंग स्क्वाड परीक्षा खत्म होने तक केंद्र पर ही रहेगा। इसके लिए डाइट को पत्र भी प्राप्त हो गए हैं। परीक्षा में प्रदेश भर से 20,381 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं, जिन्हें एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं। निजी कंपनी में भरे जाएंगे 105 पद, इस दिन होंगे साक्षात्कार। हिमाचल प्रदेश के सोलन के बरूठीवाला में चल रही निजी कंपनी में वेल्डर, फीटर, पेंटर, शीट मेटल ऑपरेटर समेत विभिन्न श्रेणियों के 105 पद भरे जाने हैं। इन पदों को भरने के लिए जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में 21 जून को सुबह 10:30 बजे से साक्षात्कार किए जाएंगे। इन पदों के लिए अभ्यर्थी आईटीआई पास होना चाहिए। अभ्यर्थी की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 12वीं पास युवा भी साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। अग्निपथ योजना युवाओं के साथ भद्दा मजाक, कल कांग्रेस प्रदेश भर में करेगी प्रदर्शन। विक्रमादित्य सिंह। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने अग्निपथ योजना को देश के युवाओं के साथ भद्दा मजाक बताया है। शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में युवाओं ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया। पुलिस ने युवाओं के साथ अत्याचार किया, उन्हें गिरफ्तार कर मामले दर्ज किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी है और सरकार से युवाओं पर दर्ज मामलों को खत्म करने की मांग करती है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल के हर घर से युवा सेना में है। सेना में युवा रोजगार नहीं बल्कि देशभक्ति की भावना और देश सेवा के लिए जाती है। हिमाचल युवा प्रदर्शन से पहले जाने पुलिस के नए निर्देश, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर होगी ये कार्यवाही। हिमाचल प्रदेश में अग्निपथ योजना और नेशनल हेराल्ड मामले का विरोध करने वालों पर कानूनी शिकंजा का शिकार। सीआईडी के एडीजीपी ने सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, आईजी रेंज और अपनी सभी यूनिटों को इस संबंध में उचित निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन ले, किसी भी प्रकार के हालात से निपटने के लिए उचित कदम उठाए ताकि कानून और व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वह प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन प्लान तैयार करे ताकि प्रदर्शन होने की सूरत में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे और लोगों को भी असुविधा न हो। चंबा में कोरोना के 2 नए मामले सामने, 2 मरीज स्वस्थ। जिले में शुक्रवार को कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे अब जिले में कोरोना के 3 एक्टिव केस रह गए हैं। 16 जून को आरटीपीसीआर लैब में 5 सैंपल जांचे गए, जिसमें सभी सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। इसके साथ शुक्रवार को रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट के माध्यम से 136 सैंपलों की जांच की गई है, जिसमें 134 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है और 2 सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। उधर सीएमओ डॉक्टर कपिल शर्मा ने बताया कि जिले में शुक्रवार को कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। लोग एहतियात बरतें। बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत, आज भी बरसेंगे बादल, जानिए 14 दिन के मौसम का हाल। हिमाचल प्रदेश में मौसम आखिरकार मेहरबान हो गया है, आज भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 3 से 4 दिन अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि बारिश होने से न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक कमी आएगी। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ गया है। कई दिनों से सुलग रही जंगल की आग भी शांत हो गई है। वहीं पानी के स्रोत भी जांच हुए हैं, इससे लोगों को राहत मिलेगी। कई जगह पेयजल संकट गहरा गया था, वहां अब स्थिति जल्द ही सामान्य होगी।